हाय एवरीवन, मैं हूँ धनंजय। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। 26 तारीख के हमारे रिपब्लिक डे परेड में फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों पार्टिसिपेट करने वाले हैं और मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को समझाऊंगा कि क्यों फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों का हमारे रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट करना एक हमारे हिसाब से एक पॉजिटिव चीज है। और मैं ये भी बताऊंगा कि क्यों भारत को जितना जरूरत है फ्रांस का, उतना ही कुछ जरूरत फ्रांस को भी भारत का है। लेकिन उससे पहले कुछ एग्जाम्पल्स या कुछ हाईलाइट मैं रखना चाहूंगा आप लोगों के सामने कि एग्जैक्टली फ्रांस का क्या रोल रहने वाला है भारत के रिपब्लिक डे परेड में, किस तरीके से वो हमारे रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो हमारे रिपब्लिक डे परेड में फ्रांस के तरफ से दो रफेल जेट पार्टिसिपेट करेंगे झांकी में और एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी पार्टिसिपेट करने वाला है और उसके साथ एक कॉन्टिंजेंट रहने वाला है जिसमें कि 95 मेंबर रहेंगे और उस कॉन्टिंजेंट का नाम है फॉरेन लीजन। अब ये फॉरेन लीजन कॉन्टिंजेंट का क्या हिस्ट्री है, क्या बैकग्राउंड है? तो जैसा कि हम सभी को पता है कि ब्रिटिश की कॉलोनी हुआ करती थी दुनिया भर के अलग अलग लोकेशन में, वैसा ही कुछ कॉलोनी फ्रांस का भी हुआ करता था। तो जो पहले मिलिट्री का कॉन्फ़िगरेशन था या रिक्वायरमेंट था वो आज के रेट से कहीं अलग था, कहीं डिफरेंट था। तो पहले क्या हुआ करता था कि बहुत सारे जो स्लेव हुआ करते थे उसको दुनिया के अलग अलग लोकेशन से लाया जाता था और उसमें से भी खास करके जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वहां से मैक्सिमम जो स्लेव है उसको लाया जाता था। उसमें भी वैसे स्लेव जिनका की बिल्टअप काफी अच्छा हुआ करता था उनसे मिलिट्री सर्विसेज लिया जाता था। तो ये जो फॉरेन लीजन कॉन्टिंजेंट का जो हिस्ट्री है वो ये है कि ये फ्रांस का एक एलीट कॉन्टिंजेंट है जिसमें कि पहले सभी जो इसके मेंबर्स हुआ करते थे, मिलिट्री हुआ करते थे, वो फॉरेन नेशनल के ही हुआ करते थे, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरे दुनिया का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बदल गया और ऑफिशियली स्लेवरी को बैन कर दिया गया। तो अभी का जो फ्रांस का जो फॉरेन लीजन कॉन्टिंजेंट है इसमें जितने जो इसके मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे, या कह ले मेजॉरिटी ऑफ देम जो होते हैं, वो फ्रांस नेशनल के ही होते हैं। शायद एक दो किसी और जो यूरोपियन कंट्रीज के होते होंगे वो इसमें पार्टिसिपेट करते होंगे, उसका भी गुंजाइश काफी कम है। तो यही एक मेजर डिफरेंस देखा गया है फ्रांस के इस फॉरेन लीजन कॉन्टिंजेंट में पहले से लेके अभी तक, क्योंकि ये काफी लंबे दिनों से चलता हुआ आ रहा है इनका ये फॉरेन लीजन कॉन्टिंजेंट, तो फ्रांस भी इस लेगेसी को वो कैरी कर रहा। तो शायद दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि क्या ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि भारत के रिपब्लिक डे परेड में कोई फॉरेन के मिलिट्री या आर्मी पार्टिसिपेट करने वाले हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2016 में भी फ्रांस के जो मिलिट्री थे वो पार्टिसिपेट कर चुके थे। अब आप इस दो चीज पे आप ध्यान रखिएगा, 2016 में भी जब फ्रांस के आर्मी ने पार्टिसिपेट किया था तो वो पहला इंसिडेंट था जब भारत के रिपब्लिक डे परेड में कोई फॉरेन नेशनल का आर्मी पार्टिसिपेट करता है, और ठीक 2024 में भी फ्रांस के ही जो एलीट फोर्स हैं वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि जो रिलेशन बिटवीन फ्रांस और भारत है वो काफी अच्छा है। इमैनुअल मैक्रों 25 जनवरी को भारत आएंगे और ये 27 जनवरी को भारत से जाएंगे। इस बीच इनका शेड्यूल है पीएम मोदी के साथ, जहां पे ये जयपुर राजस्थान में एक रोड शो को पार्टिसिपेट करेंगे, उस रोड शो में ये रहेंगे। उसके अलावा ये इमैनुअल मैक्रों सिर्फ अकेले ही नहीं आ रहे बल्कि इनके साथ फ्रांस के जो डिफेंस कंपनीज हैं उनके भी जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं वो आ रहे हैं। और मैं एक बात आप लोगों को बहुत ही साफ साफ बता दूं कि फ्रांस का भारत के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में काफी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, काफी अच्छा इनका एक कॉर्पोरेशन है भारत के साथ, और बहुत ही कम ऐसे यूरोपियन कंट्रीज है ना जो भारत को इस हद तक आके सपोर्ट कर रहे हैं जिस हद तक फ्रांस के प्रेसिडेंट या कह ले कि फ्रांस एज एन कंट्री हमें सपोर्ट कर रहा है। मेजोरिटी ऑफ लोगों को बस यही पता है कि रशिया हमारा एक अच्छा दोस्त है, जो कि बहुत हद तक सही भी है, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में बात करेंगे तो फ्रांस से भी जो हमारा रिलेशन है वो काफी अच्छा है। और सबसे पहली बार 1976 में फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर थे जैक सिराक, वो सबसे पहली बार हमारे रिपब्लिक डे परेड में शामिल होते हैं, और उसके साथ इस बार जो कि ऑलमोस्ट तय है इमैनुअल मैक्रों जब पार्टिसिपेट करेंगे तो ये ऐसे 6th एग्जाम्पल हो जाएंगे जहां पे फ्रांस के तरफ से प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट हमारे रिपब्लिक डे में शामिल हो रहे हैं। यहां तक सुनकर शायद ऐसा लग सकता है कि भारत को बहुत ही जरूरत है फ्रांस का और फ्रांस को जरूरत नहीं है भारत का, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना जरूरत भारत को फ्रांस का है उतना ही रिक्वायरमेंट फ्रांस को भी भारत का है। ऐसा क्यों है तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों को समझाता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को मैप दिखाऊंगा कि फ्रांस का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो कहाँ पे है, ताकि समझ में ज्यादा अच्छे तरीके से आए। तो ये है फ्रांस, यूके, स्पेन, पोर्टुगल। अब ये मैप दिखाने के पीछे का रीजन क्या है कि अगर आप थोड़ा सा मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, मध्यकालीन अगर आप पढ़ेंगे यूरोप का हिस्ट्री, तो यहाँ से बहुत सारे नेविगेटर्स दुनिया के अलग अलग लोकेशन पे जाते हैं और दुनिया को अपना कॉलोनी बनाते हैं,
क्योंकि उस वक्त का भी जो माइंडसेट था वो ये था कि किसी भी तरीके से उनका देश का जो इकॉनमी है उसको आगे बढ़ाया जाए, किसी भी तरीके से उनका देश का जो हेजिमनी है, जो इन्फ्लुएंस है, वो दुनिया में आगे बढ़ाया जाए। कुछ वही माइंडसेट पोर्टुगल का भी था, स्पेन का भी था और ब्रिटिश का भी था, यूके का भी था। तो कहीं ना कहीं इन सभी का जो एजेंडा था वो एजेंडा बहुत ही एक ही पॉइंट पे आके वो मिल जाता था कि सभी को लूटना था। तो जब सबका एजेंडा एक ही रहेगा तो कहीं ना कहीं वो चीज वॉर को जन्म देता है। तो फ्रांस और यूके का जो रिलेशन है वो कुछ आज से खराब नहीं है, बल्कि अगर आप हिस्ट्री में अगर आप 1000 साल पीछे जाएंगे तब से आपको मालूम पड़ेगा कि इन दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन है वो बेहद खराब है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्रेंच गुयाना है जो कि आज भी फ्रांस की कॉलोनी हुआ करती है, और ये है गयाना। गयाना ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करती थी और गुयाना फ्रेंच कॉलोनी आज भी है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो टेरिटोरियल वॉर था वो आज से चलता हुआ नहीं आ रहा, वो कम से कम भी तो 1000 साल पुराना इनका हिस्टोरिकल राइवलरी चलता हुआ आ रहा। गयाना के बारे में मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पे क्योंकि ये ब्रिटिश की कॉलोनी हुआ करती थी इसलिए आज भी यहाँ पे जो 40% जो लोग हैं गयाना के वो इंडियन ओरिजिन के हैं। और पिछले साल यानी कि 2023 में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में गयाना के प्रेसिडेंट भारत आए हुए थे। और अगर मैं आज के टाइम से अगर मैं कोई एग्जांपल आप लोगों के सामने उठाऊं और बताऊं कि क्यों फ्रांस और यूके के बीच में जो रिलेशन है वो खराब है, तो 2003 में इराक में इन्वेजन किया गया था प्राइमरीली यूएस के द्वारा, जहां पे यूएस ये बढ़ चढ़ कर बोलता है कि सद्दाम हुसैन के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। उस वक्त का अगर आप न्यूज पढ़ेंगे तो आपको 2-3 चेहरे बड़े कॉमन दिख जाएंगे। उस दो चेहरा में तो एक आपको दिख जाएगा जॉर्ज का और दूसरा आपको दिख जाएगा टॉनी ब्लेयर का। तो इराक का जो इन्वेजन था वो यूएस और यूके का मिलके इन्वेजन था, क्योंकि यूएस बढ़ चढ़कर ये क्लेम कर रहा था कि सद्दाम हुसैन के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। लेकिन वहीं जो फ्रांस के उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे, ध्यान रखिएगा जैक सिराक, ये किसी टाइम पे प्राइम मिनिस्टर भी थे फ्रांस के और ये उसके बाद ये प्रेसिडेंट भी बन गए, और यही सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो भारत आते हैं 1976 में हमारे रिपब्लिक डे परेड में शामिल होते हैं। तो इनका कहना था कि जो यूनाइटेड नेशन का जो वेपन इंस्पेक्टर है उनको और मौका दिया जाए ताकि वो इराक के बारे में जो क्लेम है कि उनके पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उसको अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट करें। लेकिन टॉनी ब्लेयर और जॉर्ज बुश अपना कह ले कि इन्फ्लुएंस का यूज करके इनके इस रिक्वेस्ट को नल एंड वॉइड करवा देते हैं। तो वहां से भी जो प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस है वो काफी नाराज होते हैं इस चीज से। और इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे मीटिंग्स हुए थे जहां पे यूरोपियन कंट्रीज के जो हेड ऑफ स्टेट थे वो पार्टिसिपेट कर रहे थे रिगार्डिंग इन्वेजन ऑफ इराक, जिसमें कि मेजॉरिटी ऑफ टाइम जो फ्रांस थे उनको इन्वाइट नहीं किया गया था, या तो जो इनका ओपिनियन था उसको नहीं लिया गया था। तो ये कम से कम आपके हजारों एग्जाम्पल में कोई ये एक एग्जाम्पल है जो कि ये बताता है कि फ्रांस के जो रिलेशन है वो यूके और जर्मनी के साथ इतने अच्छे रिलेशन उनके नहीं है, इसलिए भी फ्रांस को एक देश चाहिए यूरोप के बाहर जो भारत के इतना बड़ा हो, उनसे इनके रिलेशन अच्छे रहे ताकि फ्रांस भी अपना जो वेपन वगैरह है वो सेल कर सके, जो उनके टेक्नोलॉजीज हैं वो सेल कर सके। तो अगर आप इन अवे देखेंगे तो जितना रिक्वायरमेंट भारत को फ्रांस का है कुछ उतना ही रिक्वायरमेंट फ्रांस को भी भारत का है। भारत ज्योग्राफिकली बहुत ही बड़ा देश है जिसका कि हमें फायदा भी बहुत बार मिलता है, क्योंकि हमें ये नेचुरली एक कंज्यूमर स्टेट बना देता है और बहुत सारे देश इंटरेस्टेड होते हैं भारत में आके इन्वेस्टमेंट करने के लिए ताकि उनके देश का जो बिजनेस है, व्यापार है, वो चलता रहे। आई होप दैट कि मैं आप लोगों को इस वीडियो में कुछ अच्छा बता पाया हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई गलती हो गई तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।